चलिए कहते हैं एक्सरसाइज 10.5 में पाँच का पहला क्वेश्चन है कहता आकृति 10.36 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार रखी गई है कि कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु हो तो कोण ए डी सी का मान ज्ञात करें। कहा गया है कि एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त है, वृत्त पर कहता है कि चित्र यह दिया गया है, यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, यहाँ बना रहा है 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, तब कहता है कोण ए डी सी, मतलब इसका कहता है मान निकालने के लिए कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। दिया गया है चित्र से, चित्र कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री, यह दिया गया है। जब कोई वृत्त पर अगर कोई अगर ये बनाता है, जब यहाँ से यहाँ यह बनाता है तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री, यह समकोण बना रहा है, क्या बना रहा है समकोण, के ए ओ सी बराबर यह जो है समकोण बना रहा है हमारा कोण, क्या बना रहा है समकोण बना रहा है, कोण ए ओ सी हमारा समकोण बना रहा है, कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री, जो यह कोण जो बनाता है समकोण 90 डिग्री, इसी का यह आधा बनाता है वृत्त पर जो ये दूसरी रेखा जो स्पर्श करती है, वृत्त पर जो दूसरी रेखा जो स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद जो यह कोण बनाती है इसी का यह आधा कोण बनाती है। यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर दिया गया 90 डिग्री चित्र से, चित्र से तो हमको मान निकालना है कोण ए डी सी का, ए डी, जब ए डी सी का मान निकालेंगे तो ए डी सी का मान निकालेंगे तो क्या होता है कोण ए ओ सी बटे टू, कोण ए ओ सी बटे टू, जस्ट इसका आधा यह कोण बनाता है, इसका आधा कौन यह बनाता है, कोण ए ओ सी का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री बाय टू, दो से कट रहा है 90 हमारा कितना बार में 45 बार में, तो कोण ए डी सी का मान कितना डिग्री आया 45 डिग्री, इसका आंसर होगा 45 डिग्री। हाँ डाला हुआ इंटर दीजिए, हो गया। चलिए दो नंबर, कहता है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, कहता है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरित कोण ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त, कहता है जितना इस वृत्त की त्रिज्या है उतनी इसका क्या है जीवा है, उतने इसका जीवा है, जितने हमारा त्रिज्या है वृत्त की उतना हमारा वृत्त के जीवा के बराबर जो है त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर क्या है जीवा है, जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर, लघु चाप के किसी बिंदु पर, यहाँ से यहाँ जो बन रही है यह लघु चाप बन रही है, लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरित कौन, आंतरित कौन, यह जो बन रही है यह आंतरित कौन, यह कौन, और दीर्घ चाप के, दीर्घ चाप के आंतरित कौन, यह कौन, आंतरित कौन ज्ञात कीजिए, मतलब हमको यह कौन और यह कौन ज्ञात करना है। मान लेते यह दिया गया हो ए बी आर सी, यही दिया गया है, जब कोई आंतरित अगर कोई वृत्त पर अगर कोई दीर्घ वृत्त या लघु वृत्त बनाता है तो वह हमेशा ये
30 डिग्री या 150 डिग्री का ही कोण बनाएगा, कहीं भी अगर ये बनाएगा तो। अगर यह छोटा बना रहा था या बनाएगा 30 डिग्री, अगर यह बड़ा है तो यह कितना बनाएगा, 150 डिग्री का बनाएगा। यहाँ लिखेंगे दीर्घ वृत्त के चाप पर बना कोण बराबर 150 डिग्री होता है, लघु वृत्त चाप पर बना कोण 30 डिग्री का होता है। तो दोनों की ये मिलाने पर जो है यह कितना डिग्री का बनना चाहिए, 180 डिग्री। यह 180 डिग्री के बराबर है कि नहीं है, yes. हो गया। तो इसका मान आ गया दीर्घ वृत्त का 150 डिग्री, लघु वृत्त का 30 डिग्री। कहता आकृति में दिया गया है, कहता दिया है कोण ए बी सी का मान दिया गया 69 डिग्री, जबकि कोण ए सी बी का मान ए सी बी का मान दिया गया 33 डिग्री। तो कोण बी डी सी का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो इसका मान दिया गया 69, इसका मान दिया गया 69। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री जानते हैं, यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज यहाँ दिया गया है त्रिभुज बी डी सी में, हमको डी ए का मान निकालना है। तो बी डी सी का मान निकालना है, जब यहाँ दिया गया है कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी का मान दिया गया 69 डिग्री, कोण डी निकालना है, कोण सी का मान दिया गया 31 डिग्री। 31 69 कितना होता है, 100 प्लस कोण डी बराबर 180। मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा, माइनस। 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 डिग्री। इसलिए दिया गया है कोण बी डी सी बराबर कितना डिग्री आया, 80 डिग्री। समझाएं, है ना, दिया गया। चलिए कहता यह दिया गया है कि कोण बी ई सी का मान 130 डिग्री है, जब यह एक रैखिक है तो यहाँ मेरा मान होता है कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री, जब यह 180 होता है तो यह 130 है, तो यहाँ कितना बचा है, 50। यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ई सी प्लस कोण डी ई सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी ई सी का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। कोण डी ई सी का मान निकल जाएगा इधर 130 प्लस, मेरा बाएं साइड दाएं साइड आएगा क्या होगा, माइनस। कितना बचा, 50 डिग्री आ गया। जब यह 50 है तो हमको ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहाँ से आ जाएगा, त्रिभुज डी ई सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण सी बराबर 100। कोण डी का मान हमको निकालना है, तो कोण डी का मान तो नहीं पता है, कोण ई का मान निकाल दिए 50, कोण सी का मान दिया गया है 20 बराबर 180। कोण डी 50 20 70 डिग्री बराबर 180, मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा, माइनस। 180 में से 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 110। इसका मान कितना आया, 110। लेकिन संगत कोणों से मेरा मान आता है कितना, बराबर होता है।
अगर जब यह कोण 50 है तो यह भी कोण हमारा 50 होगा, है ना। तो यह भी हमारा अगर 20 है तो यह भी हमारा क्या होगा, 20 डिग्री होगा। तब यहाँ से यह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब यह 50 है तो यह 70, 50 भी 70 हो गया तो कितना बचा, 110 डिग्री है। दिया गया है जहाँ कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी। जितना हमारा सी है उतना हमारा बी आएगा, जितना हमारा बी है उतना सी आएगा, और जितना सी है उतना हमारा बी आएगा, जितना हम डी निकालें उतना हमारा क्या आएगा, ए आएगा, जो कि हमारा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब यह आ गया 110 डिग्री, दिया भी हमारा 110 डिग्री होगा, तो हमको पूछ रहा है मान किसका, कौन कौन बी ए सी का मान। इसलिए कौन बी ए सी बराबर कितना डिग्री होगा, 110 डिग्री, क्योंकि अगर दोनों संगत कोण से बराबर है तो संगत कोण से, क्योंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर। जब यह 50 बना रहा है तो हमारा कितना बनाएगा, 50। जब यह कोण बराबर है जरूर है कि यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, हाँ 110 डिग्री। निदान एक वृत्त दिया गया है जो कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चक्रीय, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसका विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह दिया गया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, जहाँ की ए सी इसका एक विकर्ण है, ए सी कहता है ए बी बराबर बी सी। कहा गया है कि ए बी बराबर बी सी, यह भुजा और यह भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। तो कहता है कि कौन डी बी सी, कौन डी बी सी, यह कौन दिया गया है कितना, 70 डिग्री। कौन बी ए सी, कौन बी ए सी, यह कौन दिया गया है कितना, 30। तब कहता है कौन बी सी डी, बी सी डी मतलब इसका मान निकालना है, किसका मान, इसका मान निकालना है। चलिए इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना ई सी डी भी निकालिए, ई सी डी, यह कौन दोनों निकालना है, क्या निकालना है, दोनों निकालना है। यह कौन और यह कौन, तो ये बराबर होगा हमारा, जो ये दिया गया है कौन है ना, जहाँ ए बी बराबर बी सी दिया गया है, यह दिया गया यह कौन और यह कौन, कौन डी बी सी ने मान दिया गया इतना 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जबकि कोण ए का मान कितना दिया गया है, 30, कोण बी का मान 70 प्लस कोण सी, हमको ये निकालना है। जब यहाँ 70 और 30 जोड़ेंगे कितना होगा, 100, मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा, माइनस 180 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो यह कितना आया, 80 डिग्री आ गया है। जब यह 80 आ गया, जानते जब यह कौन और यह कौन एकांतर कौन से हमारा ये बराबर है, कौन ए बराबर कौन सी, किस कौन से, एकांतर कौन से, एकांतर
जब यह तीस है तो यह हमारा कितना होगा, तीस। एकांतर कोण से यह भी हमारा क्या है, बराबर है कोण बी बराबर कोण डी। किस कोण से, एकांतर कोण से, अगर यह सत्तर है तो यह भी हमारा कितना होगा, सत्तर। जब यह सत्तर है तो यह तीस है, जब यह तीस है तो यह भी एकांतर कोण से हमारा ये बराबर होगा, तो यह भी होगा अस्सी डिग्री। एकांतर कोण से बराबर, जब यह एकांतर कोण से बराबर हो गया तो यह मेरा संगत, देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, चलिए त्रिभुज ए डी ई में तय दिया गया कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान दिया गया 80, कोण डी का मान 70, कोण ई का मान निकालना है 70 और 80 150 प्लस कोण ई बराबर 180। मेरा बाएं साइड प्लस है, दाएं साइड आएगा क्या होगा, माइनस। 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो कितना या कोण ई 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री। जब यह 30 आ गया तो यह भी हमारा कितना होगा, 30। संगत कौन से बराबर है, जब यह 30 आ गया तो हमको यह शीर्षाभिमुख कौन कहिए या संगत कौन कहिए, बात एक ही है। कहीं कहीं ये लिख भी देता है संगत कौन या शीर्षाभिमुख कौन, यह कौन या कौन शीर्षाभिमुख कौन भी कहते हैं और संगत कौन कौन भी कह सकते हैं। दूसरा देखिए, कहता है कि कौन बी सी डी, कौन बी सी डी का मान कहता निकालने के लिए, इस पूरे का कहता मान निकालने के लिए, तो कौन बी सी डी बराबर देखते हैं, कौन बी सी डी, इस पूरे का मान आया कितना, 80 30 110 डिग्री। कौन बी सी डी का मान, फिर कहता है कौन ई सी डी, कौन ई सी, ई सी डी, तो ई सी डी का मान आया कितना डिग्री, 30 डिग्री। कौन ई सी डी बराबर कितना आया, 30 डिग्री ना इसका मान, 30 डिग्री आंसर। ई सी डी ना सर, ई सी डी जिसके बारे में कहेगा उसी का निकालेंगे। अग्र चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है, एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो। यह वृत्त का केंद्र दिया गया यहां से यहां दिया गया, कहता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय नहीं है, कहता एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका विकर्ण उसके शीर्ष से जाने वाले वृत्त का व्यास हो। एक इसका विकर्ण है, एक इसका यही नहीं विकर्ण, कहता विकर्ण हो तो सिद्ध कीजिए कि यह एक आयत है या नहीं, यह एक आयत है या नहीं। चले आते हैं, मान लेते हैं ए बी सी और डी, इसको मान लेते हो है ना, मान लेते हैं कि यह एक आयत है या नहीं। जब कोई अगर ये वृत्त के अंदर अगर कोई अगर ये चित्र बनाता है तो वह एक चतुर्भुज होता है या आयत होता है या वर्ग होता है। अगर जिसकी चारों भुजा अगर ये बराबर होता है तो वह वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर नहीं है या आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर है तो आयत है। मान लेते हैं, माना कि ओ कैंड वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, तो एक वृत्त खींचा तो वृत्त का व्यास सी डी लिया, वृत्त का व्यास सी डी लिया जिसका विकर्ण ए सी तथा जिसका विकर्ण ए सी तथा बी डी है, ए सी तथा बी डी है। यह दिया गया है कि त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज बी ओ सी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है। जब यह बराबर है तो यह रेखा और यह रेखा भी हमारा बराबर है, ए डी बराबर बी सी,
यह रेखा और यह रेखा भी हमारा क्या है, बराबर है। जब यह बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या है, आयत है। yes, क्या है? आयत, आयत है। प्रूफ हो गया ना? yes, ये सात नंबर का था क्वेश्चन, ऐसे लिख देते सात नंबर। yes, हो गया ना? yes. चलिए आठ नंबर। एक समलंब की वो समानांतर भुजाएं बराबर होते, सिद्ध कीजिए कि यह चक्रीय चतुर्भुज है। आठ नंबर में एक वृत्त है, एक मतलब कहता है इसमें कि एक समलंब की असमानांतर भुजाएं जिसकी कोई भी भुजा ये बराबर नहीं है। yes. तो सिद्ध कीजिए कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर वृत्त पर चार बिंदु ए बी सी डी लिया, ए बी सी डी लिया, ए बी तथा बी सी तथा सी डी और ए डी को मिलाया, ए डी को मिलाया, जहाँ कोई भी भुजा इसमें ये बराबर नहीं है। ए बी इक्वल टू नॉट सी डी या ए डी इक्वल टू नॉट बी सी, कोई भी भुजा ये बराबर नहीं है। जब यह बराबर नहीं है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब अगर यह आमने सामने का भुजा बराबर होता तो यह एक आयत होता। यह सामने सामने की भुजा बराबर नहीं है तो यह क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज। हम ए बी सी डी ए क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। प्रूफ है ना? दो वृत्त दो बिंदु बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी, ए बी डी और पी बी क्यू, पी बी क्यू दो रेखाखंड जो वृत्तों को ए डी पी क्यू पर, ए डी और पी क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए सी पी, कोण ए सी पी यह कोण, और कोण क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी यह कोण और यह कोण, दोनों ये बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। चलिए आते हैं, माना कि दो वृत्त, दो वृत्त, दो वृत्त की बिंदु बी तथा सी लिया, सी लिया, जहां जहां दिया गया त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी यह त्रिभुज और ये त्रिभुज ए सी डी और ये त्रिभुज पी सी क्यू बराबर त्रिभुज पी सी क्यू, यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है,
यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जहाँ दिया गया है कोण P बराबर कोण A और कोण D बराबर कोण Q, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब यह बराबर है तो यह भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। B और C भी हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब यह बराबर है तो यहाँ कह सकते हैं कि QC समानांतर C, QC यहाँ दिया गया ACD, इसीलिए कोण ACD, कोण ACD बराबर कोण PCQ, यह कोण दोनों क्या आपस में, जब यह कोण बराबर है और यह कोण बराबर है, यह कोण और यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है, तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी कोण, यह कोण और यह कोण भी हमारा आपस में ही बराबर होगा। इसीलिए कह सकते हैं कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी या डी सी क्यू, यह भी कोण हमारा ये बराबर है, दोनों क्या आपस में बराबर है। जब बराबर है तो भुजा भी आपस में क्या है, यहाँ बराबर है, कोण भी हमारा क्या आपस में बराबर है। तो हो गया प्रूफ। क्या नंबर था, 8 नंबर, 9 नंबर में था, 9 नंबर। चित्र में इसमें ढंग है। अतः यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं, कहता है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों पर प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। चलिए, कहता है व्यास ने मानना है एक वृत्त पारा है, इसका एक यह व्यास है, इसका यह एक व्यास, यहाँ से भी तो हमारा ये त्रिभुज बना है, मान लेते हो ए बी, इसको माना है व्यास, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे, वृत्त खींचे, दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे, खींचे गए, खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि वृत्तों पर प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है, तीसरी भुजा पर स्थित है या नहीं। इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, दो गो व्यास, यहाँ से यहाँ एक वृत्त खींचा गया, जब व्यास है तो यह व्यास और यह व्यास भी हमारा ये बराबर होगा। जहाँ की दिया गया है ए बी बराबर सी डी, क्या है यह वृत्त का व्यास है, इसी पर ने खींचा गया है, इस पर जब खींचा गया, कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्तों पर प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर यह तीसरी भुजा पर स्थित है या नहीं, तीसरी भुजा पर स्थित, अगर कहीं भी अगर ये मिलाएंगे इस भुजा को कहीं भी, तो यह अभी भुजा तो हमारा ये बराबर ही होगा। यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, जब व्यास बराबर है तो इसका भुजा भी आपस में क्या होंगे, बराबर है। यहाँ लिख देते हैं, जब व्यास बराबर है, यह क्या व्यास हमारा बराबर है, तब भुजा भी हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ कह सकते हैं ए सी बराबर बी सी बराबर बी डी बराबर ए डी, सभी सभी भुजा क्या आपस में बराबर है। तो जब भुजा बराबर होती है तो ये त्रिभुज भी हमारा ये बराबर होगा, जब भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज भी हमारा क्या होगा आपस में, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज बी ओ सी बराबर त्रिभुज बी ओ डी, और ये त्रिभुज ए ओ सी बराबर त्रिभुज ए ओ डी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज हमारा क्या आपस में बराबर है। उसी तरह यह त्रिभुज और यह त्रिभुज भी हमारा क्या आपस में बराबर है। जब ये चारों ये अगर ये त्रिभुज बराबर है, जरूर है कि यह तीसरी भुजा पर स्थित है या नहीं, कोई भी भुजा ये तीसरी भुजा पर स्थित हो जाएगा। जैसे अगर यही वृत्त अगर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो यह देखते हैं कि यह तीसरी भुजा पर स्थित है या नहीं, तीसरी भुजा पर स्थित है, जैसे इसको मूल लिए, यह तीसरी भुजा पर स्थित है या नहीं, ऑटोमेटिक है कि यह तीसरी भुजा पर स्थित है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो
तीसरी भुजा पर क्या है स्थित है, तीसरी भुजा पर क्या है स्थित है कि नहीं है, तीसरी भुजा पर ऐसे भी स्थित है। त्रिभुज की सर की त्रिभुज की दो भुजाओं सर एबी बराबर सी डी, कोई दिक्कत है मिटा है ग्यारह नंबर कहता उभयनिष्ठ कर्ण ए सी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी तो सिद्ध कीजिए कि कौन सी ए डी बराबर कौन सी बी डी है। कहा गया है कि ए सी कर्ण है हमारा, क्या है कर्ण है, तो एक त्रिभुज पारना है जिसमें कहा गया है कि ए बी सी बराबर ए डी सी, ए बी सी बराबर ए डी सी, तो दोनों का कर्ण तो हमारा एक ही है, दोनों का कर्ण एक ही है, है ना। कहता है दिया गया है यह समकोण त्रिभुज, समकोण जहां कहा गया है कि ए बी सी और ए डी सी दोनों क्या आपस में बराबर है, जब सिद्ध कीजिए कि कौन सी ए डी सी ए बी सी ए डी बराबर सी बी डी, क्या यह दोनों ये बराबर हैं, जब यह कर्ण जब हमारा ये बराबर है, क्या है कर्ण हमारा क्या आपस में बराबर है, जब उभयनिष्ठ मेरा कर्ण है तो कर्ण ए सी हमारा इस दोनों के लेना है कर्ण, जब दोनों के लिए कर्ण जैसे यह कर्ण होता है तो यहाँ हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री का बनाएगा कोण, जब 90 डिग्री बनाएगा तो यह लंब हो गया तो आधार हो गया, यह हमारा कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण ऐसे, यह हमारा हो गया कर्ण, क्योंकि जब इस पर लंब डाला जाता है तो यह हमारा क्या कहलाता है कर्ण, यह कर्ण जब हो गया तो कर्ण यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों के लिए है, ए सी उभयनिष्ठ कर्ण है तो यह उभयनिष्ठ कर्ण हमारा दोनों के लिए है, किस लिए है दोनों के लिए, जब दोनों के लिए बराबर है यहाँ कह सकता है कि ये ए बी सी और ए डी सी, ए डी सी जब यह दिया गया है समकोण त्रिभुज, यहाँ दिया गया है चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री समकोण यहाँ दिया गया है, लिख दिया है पहले ही वहाँ कि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख दिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री समकोण है, जब यह समकोण है तो यह भुजा हमारा बराबर होगा ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, तो यह भुजा और यह भुजा बराबर है तो यहाँ से यहाँ यह भुजा और यह भुजा भी बराबर होगा बी सी बराबर सी डी होगा बराबर, जब यह बराबर है तो यह त्रिभुज भी हमारा ये बराबर होगा, तब यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए डी सी, दोनों ये त्रिभुज आपस में क्या है बराबर है, जब यह बराबर दिया अगर ये त्रिभुज है इसका एंगल भी हमारा ये बराबर होगा, क्या होगा एंगल भी बराबर, जब एंगल बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी बराबर है, जब यह बराबर है तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कोण सी ए डी सी ए डी यह कोण और कोण सी बी डी यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं इसलिए कोण सी ए डी यह कोण और बराबर कोण सी बी ए यह कोण दोनों क्या आपस में बराबर है, यही ना हमको प्रूफ करना था, जब सभी भुजा दोनों भुजा बराबर है, जब यह दोनों एंगल बराबर है जरूरी कि यह कोण और यह कोण आपस में ये बराबर होंगे, ऑटोमेटिक है होगा कि नहीं बराबर सर, था ग्यारह नंबर ने ओके सर।
वो बिंदु है। कहता है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, एक आयत होता है। चलिए आते सिद्ध करते हैं। मानो कि ओ केंद्र का एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, वृत्त पर चार बिंदु ए बी सी डी लिया, ए बी सी डी लिया, जो कि ए बी तथा बी सी और सी डी तथा ए डी को मिलाया, को मिलाया, बनिए ए डी को मिला दिया, जहाँ ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी दोनों आमने सामने की भुजा क्या आपस में बराबर, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है बराबर, जब यह भुजा बराबर तो यहाँ कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, जब चारों भुजा बराबर है तो यह भुजा और यह भुजा भी हमारा ये बराबर होगा, तो यहाँ कह सकते हैं ए सी बराबर बी डी, जब चारों भुजा बराबर है तो चारों ये त्रिभुज भी हमारा ये बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं कोण त्रिभुज ए ओ बी बराबर त्रिभुज सी ओ डी, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या आपस में बराबर है, तो उसी तरह यह त्रिभुज भी आपस में ये बराबर होंगे, यहाँ दिया गया इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज बी ओ सी, दोनों क्या आपस में बराबर, जब यह बराबर है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि आमने सामने का भुजा क्या आपस में बराबर है, यहाँ कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी या ए डी बराबर बी सी, जो आमने सामने की भुजा बराबर होते हुए वह क्या कहलाते हैं आयत कहलाते हैं, जैसे दिया गया है कि ए बी, इसीलिए ए बी सी डी ये क्या है आयत है, क्या है आयत है कि नहीं है, जब आमने सामने की भुजा बराबर हो जाते हैं तो आयत कहलाते हैं, कौन ए डी बराबर बी सी से बी आयत है, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है।